21तम पशुधन गणना पई आंचलिक तालीम कार्यक्रम शनिवार दिन होटल हॉलिडे रिसोर्ट ठारे अनुष्ठित होई जैछि। भारत सरकार दुग्ध पशु संपद विभाग पक्षरु ओडिसा सरकार पशु संपद विकास और मत्स्य विभाग सहयोगितारे अनुष्ठित एहि कार्यक्रम रे पांचटी राज्य ओडिसा पश्चिमबंग बिहार झारखंड और छत्तीसगढ़ प्राय 200 प्रतिनिधि अंश ग्रहण करथिले। एहि तालीम कार्यक्रम रे भारत सरकार विभागीय वैज्ञानिक राज्यर नोडल अफिसर नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेस वैज्ञानिक माने अंश ग्रहण करथिले। उद्घाटन समारोह रे उद्बोधन दे भारत सरकार मत्स्य दुग्ध और पशु संपद विभाग राष्ट्रमंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बाघेल कहिथिले जे पशु संपद रा विकास पई पशु पक्षी मानक गणना एकांत अपरिहार्य। पशु संपद एहार पालनकारी चासी तथा देशर अर्थनीतिर अभिवृद्धि रे सहायक होइथाय। पशुपालन ग्रामीण जनता जीविका अर्जन सुजोग देथाय ओ सेमानंकर आय वृद्धि करथाय। दुग्ध मांस और अंडार उत्पादन द्वारा जनसाधारण खाद्य सारर आवश्यकता पूरण हो पारे। तेणु ए दृष्टि पशु संपद क्षेत्र विकास पई योजना प्रस्तुति में पशु संपद गणना एकांत आवश्यक। पशु पक्षी मानकर रोग नियंत्रण सेमानक परिपालनरु इप्सित फल प्रदान करथाय। पशु संपद विभाग पक्षरु एथिपई विभिन्न योजना कार्यकारी करा जाउछि। तेणु पशु संपदर गणना रे सठिकता एकांत जरूरी। श्री बाघेल कहिथिले जे 1919 मसीहारु देशरे प्रति 5 वर्षरे थरे पशु संपदर गणना करा जायथाय। ए पर्यंत 20 थरो एभली गणना करा जाय सारलाणि। 2024 मसीहारे एकविंशतम गणना हेबाकु जाउछि। सेप्टेम्बर रु डिसेम्बर मास पर्यंत एही गणना करा जिवो। भारतर समस्त जिल्लारे एही गणना हेबो। 100% ग्राम और सहरांचल वार्डरे 16 प्रकार पशु गणना करा जिवो। सेमानक मध्यरे गाई मईंसी मिथुन याक मेंढा छेली घुसुरी घोड़ा गध पोनी ओट कुकुर ठेकुआ हाथी एवं गृहपालित अंडा देउथुवा पक्षी गणना करा जिवो। राज्य पशु संपद और मत्स्य संपद मध्यम और क्षुद्र शिल्प विभाग मंत्री गोकुलानंद मल्लिक पशु गणना पई तालीम कार्यक्रम करा जाउथुवा जोगु आनंद प्रकाश करिबा संगे संगे प्रभु जगन्नाथ एही कार्य पई आशीर्वाद देबे बोली कामना करथिले। से कहिथिले जे पशु मानको हेउथुवा रोगर नियंत्रण सेमानको प्रजनन और विकास पई योजना प्रस्तुति रे एही गणना सहायक हेबो। एहा द्वारा उत्पादन वृद्धि पाइबो। दुग्ध मांस अंडा आदि उत्पादन रु पशु संपद संख्या जना पड़ो बोली श्री मल्लिक कहिथिले। एही तालीम कार्यक्रम रे जोगदे मत्स्य और पशु संपद विकास विभाग प्रमुख सचिव सुरेश कुमार वशिष्ठ कहिथिले जे पशु संपद विकास और सेमानकर उपयुक्त तत्व नेबापाई पशु संपद गणना अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। अन्य मानक मध्यरे भारत सरकार परिसंख्यान परामर्शदाता जगत हजारिका डीएचडी परिसंख्यान परामर्शदाता डॉक्टर बीपी मिश्र वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर वीपी सिंह पशु संपद निर्देशालय ओडिशा निर्देशक रामाशीष हाजरा प्रमुख जोग देथिले। तालीम कार्यक्रम रे प्रदत्त सूचना अनुजाई ओडिशा रे पशु संपद 3.4% थिबा बेले कुकुड़ा और बतक आदि पक्षी संख्या 3.2%। देशर मोट गोरु गाई मध्यरु ओडिशा रे 5.12% गोरु गाई अछंती। गाई और कुकुड़ा संख्या क्षेत्र रे ओडिशा रो स्थान देशर दशम होइतबा बेले छेली और मेंढा संख्या क्षेत्र रे ओडिशा नवम स्थान रे रहिछि। नाथ की इस पावन धरती पर 21वीं शताब्दी की 21वीं पशुधन संगणना आज यहाँ पर पुरी में हो रही है, जिसमें सॉफ्टवेयर मोबाइल है और डैशबोर्ड और नस्लों के बारे में प्रशिक्षण 6 राज्यों को दिया जाएगा, जिसमें उड़ीसा राज्य बिहार बंगाल छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो इसके एक्सपर्ट लोग आए, आईसीएआर के लोग हैं, डायरेक्टर न्यू लक्ष्मण जी हैं, उड़ीसा राज्य के बहुत ही जुझारू मंत्री निम लक्ष्मण जी को साहब हैं। तो ये पूरे दिन एक्सपर्ट्स के द्वारा टेक्निकल सेशन में किस प्रकार से हम पेट एनिमल्स की संगणना करें, क्योंकि उसके द्वारा ही हम नीति आयोग से पैसा मांगेंगे, उसके अनुसार ही फूट एंड माउथ डिजीज़ की वैक्सीन जब गिनती हो जाएगी ली जाएगी, उसी के अनुसार फिर एनिमल हस्बेंड्री के हॉस्पिटल की डिमांड होगी और खुलेंगे, उसी के अनुसार एनिमल हस्बेंड्री डॉक्टर की डिमांड होगी, पैरामेडिकल की डिमांड होगी, और ये उद्योगपतियों के भी काम आएगी, उद्यमियों के भी और डेयरी सेक्टर वालों के लिए भी, किसानों के लिए भी और चिकित्सकों के लिए भी, क्योंकि उसी के आधार पर हम अपनी पंचवर्षीय योजना बनाते हैं।
हाउस लॉटर एक्ट लागू है, वहाँ तो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है। हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कहेंगे कि जीरो पर आ गए हैं, तो बंद नहीं होता, और जो हुआ है उनके खिलाफ गैंगस्टर और एनएसी की कार्रवाई योगी आदित्यनाथ ने करने का काम किया। ओडिशा कैसे होगा क्योंकि आपकी सरकार अभी गौबध नहीं होता है, और जो ऐसे तो नर हत्या भी हो रही है तो उसके खिलाफ मुकदमा कायम होता है 302 IPC का। अगर नर हत्या होती है और अगर गौ हत्या होती है तो यहाँ पर गौवंश वध निवारण अधिनियम लागू है उड़ीसा में, तो उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में एनिमल क्रूरटी एक्ट और जो काउ स्लॉटर एक्ट है उसके खिलाफ उसके तहत कार्रवाई होगी, और केवल कार्रवाई नहीं होगी और हीनियस धाराएं और भी लगाई जाएंगी, क्योंकि इससे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो जाती है। एक धर्म विशेष के लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, तो ये मुकदमा केवल काउ स्लॉटर एक्ट का वायलेशन का नहीं होता है बल्कि ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होती है। ऐसे लोगों के खिलाफ गैंगस्टर और एनएसी की भी कार्रवाई की जानी चाहिए।